इनसे पूछा था कि यहाँ पे वॉक करना सेफ है, तो वो कह रहे थे यहाँ पे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे बहुत डेंजरस होगा। तो आज हूँ मैं अमेरिका की फेमस सिटी लॉस एंजलिस में, और अब ये सिटी है ना टेंट सिटी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे लाखों लोग है ना होमलेस है, सड़कों पे रहते हैं टेंट लगा के, और यहाँ पे ना बहुत सारी गैंग्स भी हैं, तो ये काफी डेंजरस सिटी बन चुकी है अमेरिका की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हूँ मैं कैलिफोर्निया की वन ऑफ द डेंजरस लोकेशन में, पे ना बहुत सारी गैंग है, और जो गैंग है ना उनकी आपस में भी लड़ाई हो जाती है, और अगर कोई गलती से दूसरे एरिया में चला जाता है ना तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। देखो अभी हम लोग है ना फोर्थ स्ट्रीट में है, और फोर्थ स्ट्रीट में आप लोग देखोगे ना तो ये जितने भी शटर्स हैं सब बंद कर दिए गए हैं यहाँ पे। उसका रीजन ये है, एक तो यहाँ पे कैलिफोर्निया में ना बड़ा ही अजीब सा लॉ आया है कि अगर आप लोग $900 के आसपास की कोई चोरी करते हो ना तो आपके ऊपर कोई बड़ा जुर्म नहीं लगेगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही शाम होने लगती है ना तो सारी शॉप्स हैं वो बंद हो जाती हैं। और अभी मेरे को थोड़ा सा डर ये भी है, ये देखो यहाँ पे भी जो दुकानें हैं ज्यादातर बंद हो चुकी हैं। इसी के सामने ही है ना मैंने अपनी वैन लगाई है, तो होप्स हो कि हम लोग वापस आए तो हमारी वैन सही हो। तो अभी हम लोग जिस लोकेशन में है ना यहाँ पे अभी 450 से ज्यादा है ना गैंग है अलग अलग। एलए में ना बहुत सारी गैंग है, तो ये लोग क्या करते हैं, हैंड साइन लैंग्वेज हो गई है, कपड़े हो गए हैं, बॉडी के ऊपर अलग अलग टैटू हो गए हैं, वो बनाते हैं जिससे कि दूसरे को पता चल सके कि कौन सी गैंग मेंबर से बिलोंग करते हैं। अमेरिकन स्पोर्ट्स की जो कैप होती है ना वो भी इन गैंग मेंबर ने चूज की हुई है। तो यहाँ पे 26 से ज्यादा अलग अलग कैप्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं अलग अलग गैंग को। तो Raise, everybody cry. The government can't even get it. So you work every day here to clean? No, I move around. I go to school from 10 to 12, and then it give me 2 hours. I stay right around here, so I work around. So you get in trouble too here when you are cleaning? Like sometimes people attack you or do something or no? I got a poker. Get away from me! Back. No, really? No. You got to carry something around. The people are crazy. You just gotta let them know. Hey, I say, hey man, look, here, have a nice day. Mm-hmm. A lot of people here got mental problems. Got you. A lot of people do dope, and if they do dope and they on prescription, that's really bad. So it's okay for me to going walking here, and it will be safe. Yeah, but where they serve a lot of dope, this is Fifth Street, Wall Street. Fifth Street, Wall Street, San Julian. There's a lot of guys there. You know, you just be on the low. Okay. Fifth, Wall Street, San Julian, they hang out there. And they look at you guys, they look at the phone, you know. And we will get in trouble. Thank you, sir. Okay, I appreciate it. Okay, bye. Hey, good luck. तो अभी जो ये सर जा रहे थे ना यहाँ से, तो मैं इनसे पूछ रहा था कि यहाँ पे वॉक करना सेफ है, तो वो कह रहे थे यहाँ पे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे बहुत डेंजरस होगा, अगर तुम्हारे हाथ में कैमरा वगैरह है ना तो अब तुम्हारे ऊपर अटैक भी हो सकता है। कह रहे थे मेरे पास नाइफ वगैरह हमेशा रहता है कि अगर कोई मेरे पास आएगा ना तो मैं उसके पेट में ऐसे मार दूंगा। एक्चुअली उन्होंने मेरे पेट में मारा, मैं खुद डर गया, मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कुछ घुसा दिया हो। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ हमें स्ट्रीट बताई है जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, कह रहे थे वहाँ पे अपना कैमरा वगैरह मत निकालना, आप सुन ही रहे थे। तो ये है, चलो आगे चल के देखते हैं। और जितने भी स्टोर है ना किस तरीके से जालियां लगाई हुई हैं और बंद कर रहे हैं। आर यू क्लोजिंग सर? हाँ। व्हाट टाइम यू गाइस ओपन? यूजुअली 6 एंड व्हाट टाइम यू? 9 एंड व्हाट टाइम यू? जस्ट नाउ क्लोज 6। वो आई ऑलवेज क्लोज एट 5:30 बट टुडे लेट यूपीएस। व्हाई एवरीबॉडी शॉप्स आर क्लोज देयर? मेबी बिकॉज़ इट गेट्स डार्क एंड अदर होमलेस पीपल स्टार्ट कमिंग। हाउ के थैंक। तो यहाँ पे अभी एक शॉप कीपर थे जो अपनी शॉप को क्लोज कर रहे थे, तो मैंने बोला कि भाई इतनी जल्दी क्यों क्लोज कर रहे हो, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो होमलेस है ना वो आ जाते हैं। अब यहाँ के बारे में बताता हूँ, यहाँ पे ना बहुत सारे होमलेस लोग भी हैं, बिल्कुल अब उस लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं जिसको बोला जाता है 6th Street। और इस लोकेशन में ना बहुत ज्यादा होमलेस लोग हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रग्स वगैरह बिकती है। तो पहले ये वाला आपको एरिया दिखाते हैं, फिर उसके बाद जो उन जनाब ने बताया ना जो सबसे ज़्यादा डेंजरस एरिया है तो वो दिखाएंगे। बट हम लोग यहाँ से ना रात होने से पहले पहले हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोग है ना बहुत नोटिस में आ जाएंगे नो मैटर व्हाट, के हम लोग अगर छुपा के भी बनाएंगे ना तब भी प्रॉब्लम होगी। अभी ये देखो ये बंदे की लड़ाई हो रही है वहाँ पे, मैं दिखाता हूँ, ये देखो इस बंदे की यहाँ पे लड़ाई होगी भैया, पता नहीं क्या पैसे वगैरह मांग रहा था उससे ऐसे करके। चलो इनकी लड़ाई हो रही है, हम तो यहाँ से निकल रहे हैं, बेकार में नोटिस में आ जाएंगे नहीं तो। भाई तो ये एरिया इसी तरीके का है, कहीं पे लड़ाई हो रही है तो, बट हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ से चालू होती है 6th Street, है डाउनटाउन की मेन लोकेशन। मतलब अगर आप लोग सोचोगे ना कि मतलब ये कोई ऐसा है कि भाई स्पेशली बैड एरिया बनाया हुआ है, नहीं,
ये डाउनटाउन की मेन लोकेशन है, मेन स्ट्रीट है, जिसके अंदर अगर आप लोग अपार्टमेंट लेंगे ना यहाँ से आगे की तरफ या इस बिल्डिंग के अंदर भी, तो कोई भी अपार्टमेंट $5,000 से आपको सस्ते में नहीं मिलेगा जो दो बेडरूम होगा। और अब मैं आप लोग को यहाँ से जब एरिया दिखाऊंगा ना, तो आप लोग कहेंगे भाई इस तरीके के एरिया में तो हम लोग बिल्कुल रह नहीं सकते हैं। यहाँ की हालत देखो यार कितनी बुरी हो रखी है बेचारे, कितने सारे होमलेस लोग यहाँ पे सड़क पे लेटे हुए हैं, कितना गंद पड़ा हुआ है साइड में। ये देखो बेचारे हैंडीकैप लोग भी हैं यहाँ पे। और ये देख लो यार, ये अमेरिका की सबसे एक्सपेंसिव सिटी में से एक है और उसकी हालत कितनी बुरी हो रखी है। सामने वो देखो लॉस एंजलिस की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो आप हमेशा मूवीज़ वगैरह के अंदर देखते हो। और ये यहाँ पे गवर्नमेंट आती है, इनकी काफ़ी ज़्यादा मदद भी करती है, इनको फ्री में खाना भी दिया जाता है। देखो यहाँ खाना बांटा जा रहा है, शेल्टर्स भी हैं, बट इतने ज़्यादा यहाँ पे होमलेस आ चुके हैं कि शेल्टर्स पूरे फुल हो चुके हैं। तो ये लोगों ने ना यहाँ पे पूरी टेंट सिटी बना ली है, बट गवर्नमेंट इनको फीड कर रही है। कोई बीमार होता है एम्बुलेंस वगैरह भी आती है इनको लेने के लिए, फ्री में इनका ट्रीटमेंट किया जाता है हॉस्पिटल में। और ये देखो इस तरीके से टेंट सिटी बनाई हुई है, अमेरिका की ये सबसे बड़ी टेंट सिटी बोली जाती है। यहाँ पे कोई भी आए और इसी तरीके से सड़क पे टेंट वगैरह लगा के रहने लग जाए। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सालों से यहीं पर इसी तरीके से टेंट में रहते हैं। इन्होंने क्या कर रखा है, सोलर पैनल वगैरह लगाए हुए हैं, उससे लाइट वगैरह जलाते हैं, खाना पीना सब इसी में ही करते हैं। और कुछ लोग यहाँ से टेंट से ना काम करने के लिए भी जाते हैं। तो इस तरीके की लाइफ है यहाँ पे LA के अंदर, और ये सबसे ज़्यादा यहीं पर ही देखने को मिलता है। बहुत बुरा हालत है यार यहाँ पे LA में ना, सही बता रहा हूँ आप लोगों को। सुनने में तो आता है कि भैया LA बहुत ही रिच है, गानों में दिखा रहे हैं, मूवी में दिखा रहे हैं, इस तरीके की रियलिटी कोई नहीं दिखाता कि भैया किस तरीके से बुरी हालत हो रखी है यहाँ पे। भाई मैं आप लोगों को सच बोलूँगा, यहाँ पे जो कैमरा उठा के हम लोग चल रहे हैं ना, जो वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, बट हम लोगों ने बना दी जैसे तैसे करके। ज़्यादातर हम लोगों ने कैमरा नीचे किया हुआ था जहाँ पे बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ पे ना बहुत सारे ड्रग डीलर्स हैं, जो कि आप कैमरा उठाते हो ना तो वो कुछ बोलते हैं। तो अभी वो ड्रग डीलर से हम लोग थोड़ा दूर आए हैं। ये जो पीछे वाला एरिया है ना, ज़्यादातर टेंट सिटी है, यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं ना सारे वो हैं जो कि होमलेस हैं। और बहुत सारे लोग हैं झूम रहे हैं, जैसे आप लोगों को एक ज़ॉम्बी वाला मैंने दिखाया था ना, उसी तरीके से भी यहाँ पे झूम रहे हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं ना, यहाँ पे गैंग मेंबर्स ने अपने एरिया वगैरह बांटे हुए हैं। और ये यहाँ पे है ना, वो ज़्यादातर ड्रग्स वगैरह बेचते हैं, सारे उल्टे काम करते हैं। और ये जितने भी होमलेस हैं ना, यहाँ पे 90% से ज़्यादा होमलेस लोग हैं, ये सब ड्रग्स ले रहे हैं, बिल्कुल वैसे झूम रहे हैं जैसे मैंने एक ज़ॉम्बी वीडियो बनाई थी ना, बिल्कुल वही वाला यहाँ पे भी माहौल है, वही वाली ड्रग्स यहाँ पे आ चुकी है। मतलब यार सही बता रहा हूँ, ये यहाँ पे रहना है ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पता नहीं यहाँ पे जो आसपास में लोग रहते हैं कितना उनका बड़ा दिल है, और उनकी भी हो सकता है कोई मजबूरी हो, जॉब्स वगैरह हो, इस वजह से वो इस तरीके के एरिया में रह रहे हैं, बट मैं तो यहाँ पे बिल्कुल ना रह पाऊँ। और नीचे देख लो किस तरीके का माहौल है, फिर भी लोग रह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अपार्टमेंट वगैरह मिलते नहीं है ईजिली। और यहाँ का जो पे है वो बहुत अच्छा है। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई नहीं ये LA नहीं है, तो ये देख लो मेरे पीछे, ये है LA का मेन डाउनटाउन। और ये देख लो, इसको बोलते हैं टेंट सिटी। यहाँ पे जितने भी लोग हैं इस तरीके से टेंट लगा के रहते हैं। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई इस तरीके की वीडियो आप बना के दिखाते हो, इसलिए दिखाता हूँ कि कई लोग होते हैं बोलते हैं कि भाई हम लोग LA में आके रह रहे हैं, तो उनको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि LA में इस तरीके का भी एरिया है जहाँ पे उनकी जान भी जा सकती है। तो अभी पीछे ना वहाँ पे एक बंदा जा रहा है, उसने मेरे को रोक लिया और वो कह रहा कि आप यहाँ की वीडियो क्यों बना रहे हो। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ की वीडियो बना रहा हूँ। तो कह रहा है यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है और मेरी वीडियो काट देना। तो मैंने बोला कि भाई मैंने आपकी वीडियो बनाई नहीं है। तो मेरे को लग रहा था मैं थोड़ा डेंजर में फंस गया हूँ। रात होने लगी है, तो रात होने से पहले पहले ना हम लोग वैन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एक बार अंधेरा हो गया ना तो हम लोगों को कौन पकड़ रहा है, कौन मार रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे नाइट में जो वॉक करना तो इम्पॉसिबल है, दिन के टाइम तो फिर भी पुलिस वालों की गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, तो थोड़ा सा सेफ्टी लगती है, क्योंकि जिस एरिया से हम लोग अभी जा रहे थे ना वहाँ पुलिस वालों की गाड़ियाँ घूम रही थी। यहाँ पे ना होमलेस लोगों से डर नहीं है, यहाँ पे मेन डर है जो कि गैंग मेंबर्स हो गए हैं और जो ड्रग्स वगैरह बेचते हैं, वही गैंग मेंबर्स ही हैं जो यहाँ पे ड्रग्स वगैरह बेचते हैं। उन्होंने ना सबने अपने अलग अलग एरिया बांटे हुए हैं। तो अभी हमें पता नहीं हम लोग किसके एरिया से जा रहे हैं। तो देखो ये भी मेरे पीछे पुलिस वाला जा रहा है, चारों तरफ से देख रहे हैं पुलिस वाले। और यहाँ के ऊपर है ना प्रॉपर मूवी बन चुकी है, विल स्मिथ है, उन्होंने भी यहाँ पे मूवी बनाई थी एक इसके पूरे इस टाउन के ऊपर। अभी देखो 6:34 हुए हैं और सारी दुकानें देखो एकदम सुनसान हो गई हैं। हमें यहाँ पे आधा घंटा हुआ है वॉक करते हुए। तो चलो हम लोग बिल्कुल अभी वैन के पास पहुँच गए हैं और हम लोग किसी भी ट्रबल में नहीं फंसे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ना वैन से हम लोग पूरा राउंड लेंगे और जहाँ जहाँ की वीडियो हम लोग नहीं बना पाए ना तो वैन के थ्रू बनाने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ एक ही बार वैन को लेके जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब
ज़ोंबी टाउन में हम लोग गए थे ना, और हम लोग वैन से जो है राउंड ले रहे थे, तो हमें है ना वहाँ पे लोगों ने पहचान लिया था और कह रहे थे कि ये फिल्मिंग कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर किसी ने आके हमें अप्रोच भी किया और कह रहे कि इनके ऊपर है ना आए रखो, ये जो बंदे हैं ना यहाँ पे है ना शूटिंग कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं। तो इस वजह से ये हम लोग पहुँचे हैं अपनी वैन की तरफ, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ये जो अभी मैंने वीडियो बनाई है ना, ये मैंने आपको थोड़ा डे वाला नज़ारा दिखाया है, अब हम लोग है ना नाइट वाला आप लोगों को दिखाएंगे, बट नाइट में ना हम लोग वॉक नहीं करेंगे। तो इसके बाद जो वीडियो आएगी ना वो होगी प्रॉपर नाइट की, कि नाइट में यहाँ पे क्या होता है। तो हमने यहाँ पे पार्किंग लगाई हुई है, 7:30 तक बिल्कुल डार्क हो जाएगा, फिर हम लोग नाइट में ड्राइव करके आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसा मंजर है यहाँ का। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही था, बाय।